भारतीय किसान यूनियन का छठे दिन भी गन्ना भुगतान को लेकर धरना रहा जारी। जनपद मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा के नेतृत्व में लगातार किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा है। धरने का छठा दिन होने पर भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं आज ये धरने का छठा दिन है और ये अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट हुआ था। समस्या से लेकर समाधान तक, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा ये संघर्ष जारी रहेगा। समस्या किसानों की गन्ना बकाया भुगतान की मांग है, गन्ना रेट बढ़ोतरी की मांग है, कुछ सेंटरों की मांग है जिनसे पिछला साल का भुगतान नहीं दिया, किसान वहाँ गन्ना नहीं देना चाह रहे, अन्य मिलों पर अपने गन्ना शिफ्ट की मांग कर रहे वो हैं। एक गाँव में करा केंद्र में दो दो गाँव लगा दिए गए हैं, उसमें 20 सेंटर की मांग है, उनका अलग अलग कर्जा, कुछ विवाद हो गया था पिछले साल भी वहाँ, तो ये किसानों संबंधित मांग है, इसी के लिए बैठे जाते, बड़ी मांग भी नहीं है हमारी। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक ये धरना चालू रहेगा। क्या कोई अधिकारी ने वार्ता किया? नहीं, दो तीन दिन से कोई अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा, दो तीन दिन पहले आए थे लेकिन उसके बाद यहाँ कोई सुधबुद नहीं ले रहा है, यहाँ का प्रशासन आराम से गहरी नींद पड़ी सो रहा। हम आपको बताना चाह रहे जल्दी एक आंदोलन होने जा रहा, अब वो कहाँ DM के कार्यालय पर हो या रेलवे लाइन पर होगा, अब यहाँ जल्दी रणनीति बनाकर यहाँ के प्रशासन को जगाने का काम करा जाएगा।